प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक एक पैसा जोड़कर घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के उस समय पैरों तले जमीन खिसक गई, जब पैसा देने के बाद एग्रीमेंट कराया और जमीन देखने पहुंचे तो उक्त जमीन दूसरों की निकली। जब पैसा लगा चुके लोगों ने एग्रीमेंट कराने वाले केपी पटेल उर्फ कमलेश्वर सिंह पटेल निवासी गंगोत्री कॉलोनी से मिले तो उसने पैसा वापस करने की बात कही और आजकल पर टालने लगा। जब पैसे वापस नहीं किए तो पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और पैसा वापस दिलाने की मांग की है। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा कई लोगों को इस तरह से चूना लगाया गया है। दो पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। आइए सुनते हैं आरोपी के जाल में फंसी सरोज पटेल और एक अन्य को, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से उनके पैसे जमा कराकर दूसरे की जमीन का एग्रीमेंट कराया है, अब वह अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं। ये हुआ है सर हमारे साथ कि हमने केपी पटेल हमें ज़मीन दिखाए थे जो बैसा में है, तो क्या था हम लोग कई लोग हैं उस ज़मीन के देखें और कई लोग एग्रीमेंट करवाए उस ज़मीन को, उसने एग्रीमेंट हम लोगों के नाम कराया तो वो ज़मीन उसके नाम पे है ही नहीं, जो धोखा से हम लोगों को दिखा के और उन्होंने मतलब पैसा लिया हम लोगों से। फिर क्या हुआ जब हम लोगों को जानकारी मिली कि मतलब इसके नाम पर ना एग्रीमेंट है ना कुछ है, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भैया आप हमें रिटर्न पैसा कर दो, तो वो हर महीना पैसा देने के लिए डेट में डेट देता था कि इस तारीख को हम देंगे इस तारीख को देंगे, लेकिन क्या है कि आज तक वो हम लोगों को पैसा नहीं दिया किसी का। उसके घर जाते हैं उससे मिलने तो गेट बंद रहता है और ऊपर से उसकी नाती नाती है और फोटो स्कैन करके ले जाती है, उसको दिखाती है कि लोग आए हैं और यही बोलता है। फिर बोलता है आप मेरे घर आई थी तो हम लोग बोले कि भैया हम आए थे अपना पैसा लेने, ठीक यही चलता गया। फिर अभी भी डेट में डेट दे रहा है। और कितने लोग हैं जो पैसा दिए हैं इसको जमीन के? हम लोग एक साथ मतलब 8-10 लोग हैं। हाँ 8-10 लोग हैं और किसी का पैसा नहीं दे रहे? किसी का पैसा नहीं दिया। क्या बताया कि आपको जमीन दे रहे थे? क्या बताए थे कि जमीन? ये बताया कि ये बैसा में जमीन है मेन रिंग रोड में और 1,25,000 डिसमिल के दर पे हमको दे रहा था वो जमीन जो हम लोगों को ऐसा बता के दिया, लेकिन उसके नाम पर है ही नहीं। एग्रीमेंट करवाया था? एग्रीमेंट करवाया है, फोन पे हमने पैसा जो किया है वो भी मेरे पास स्लिप है, एग्रीमेंट भी है। थाने में शिकायत की? हाँ थाने में मैंने शिकायत की। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई? हाँ बोले पुलिस वाले कि हम कार्रवाई उसके प्रति करेंगे ये बोला। और जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता है फिर बोलता है कि क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज पटेल नाम है, मेरे हस्बैंड का संजय पटेल। कहाँ रहती हैं? बिलौहन टोला सामान। जी सर हमने भी उसको 2,30,000 रुपये दिया था और उसने बोला कि आपको भी सेम जमीन दे दूंगा। जब पता चला कि ये इसके नाम पे है ज़मीन नहीं तो हम बोले हमारा भैया पैसा वापस दे दो, तो उसने चेक भी दिया था, वो 10 महीने से ऊपर हो गए चेक का भुगतान नहीं कर रहा है और डेली बोलता है कि बस अगले महीने दे दूंगा। पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में मौजूद है, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो क्या थाने में शिकायत की आपने? हमने अभी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है क्योंकि हम वकील के थ्रू उसका बाउंस चेक और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट वो हम वकील के थ्रू पेश किए हैं। आपको भी वही ज़मीन दिखाई गई थी जो इनको? हाँ सेम ज़मीन वही दिखाई गई थी। अच्छा जिसकी ज़मीन है आपने पता किया किसकी ज़मीन है? हाँ जिनकी ज़मीन है उनकी जो भूस्वामी है हमने उनसे जाके पता किया, वो बोल रही हैं हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं कराया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश पटेल, बिलौहन टोला।